हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज है 24 नवंबर और देख लेते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देख लेते हैं कल वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करने के लिए बोला गया था। किस राज्य की विधानसभा ने 19 नवंबर 2018 को उत्तर बंगाल में बस्तियों के निवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसका जो राइट आंसर था वो फ्रेंड्स सी है, यानी कि पश्चिम बंगाल। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है वो है, जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शंस पटना, नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई। फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट करना है और इसका राइट आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। अभी देख लेते हैं और जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया। ऑप्शन है नवोन्मेष परिषद, अखिल भारतीय नवाचार सभा, जन जागरण समिति, छात्र जागृति योजना। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि नवोन्मेष परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से 8000 प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए तारामंडल का क्या नाम है, जिसमें सुपरनोवा के दौरान तारे अप्रत्याशित रूप से धीमा घूर्णन कर रहे हैं। ऑप्शंस अपैप, ज्वारेव, डॉल्सी, किराया। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, पैप। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में रणजी क्रिकेट पे 11000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके ऑप्शंस है सुनील महाजन, अनिल देवराज, वसीम जाफर, योगेश हारूड। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है सी, यानी कि वसीम जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 59th सुब्रत कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शंस पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है डी, यानी कि बांग्लादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 7वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया। ऑप्शंस बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड। इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है सी, यानी कि त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मौजूद प्रतिबंधित आदिवासी क्षेत्र में एक अमेरिकी नागरिक के जाने पर वहां की जनजाति ने उनकी तीर मारकर जान ले ली। ऑप्शंस मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, यानी कि अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है हमारा, दो अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बीच किस राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 21 नवंबर 2018 को विधानसभा भंग कर दी। ऑप्शंस जम्मू कश्मीर, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ने कितने साल पूरे किए। ऑप्शंस 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है सी, यानी कि 20 साल। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने हाल ही में कूल नामक ऑनलाइन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। ऑप्शंस बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है डी, यानी कि केरल।
अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम का विकास किया? ऑप्शंस आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि आईआईटी हैदराबाद। फ्रेंड्स ये तो थी आज के हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी मास्टर।